जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड के 11वीं छात्रों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, आप सभी के साथ जो है जैक की ओर से धोखा किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों, जैक ने जो है 11वीं के छात्रों के साथ धोखा किया है। दोस्तों, जैक ने सबसे पहले तो रूटीन जो जारी की गई है उसमें बहुत बड़ा जो है गड़बड़ी की है। और आपको मैं बता दूँ कि आपका जो मैथमेटिक्स और बायो का जो एग्ज़ाम्स कैंसिल हुआ था, जो कि क्वेश्चन पेपर लीक होने की वजह से जैक के चेयरमैन ने खुद कहा था कि उसको जो हम रद्द कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वो फर्स्ट टर्म वाला जो एग्जाम कैंसिल हुआ, सेकंड टर्म का जो रूटीन हुआ उसमें भी मेंशन नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी गलती हुई है और आप सभी के साथ जो है बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैक ने जो है रूटीन में सबसे पहले तो गड़बड़ी की है और 11वीं के छात्रों के साथ जो है ये धोखा हुआ है, धोखा किया जा रहा है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि आपका जो एग्जाम्स है वो दो सिटिंग में ली जा रही है। फर्स्ट सिटिंग में साइंस और कॉमर्स विद्यार्थियों का लिया जा रहा है और सेकंड सिटिंग में सिर्फ आर्ट्स विद्यार्थियों का लिया जा रहा है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि आपका जो फर्स्ट सिटिंग का टाइमिंग है वो 10 AM से लेकर जो है 11:15 AM तक है, यानी 10 बजे से लेकर 11:15 बजे तक लिया जाए, यानी कि 1.25 घंटा तक। ठीक है, ध्यान दीजिए। और सेकंड सिटिंग में वही टाइमिंग है, 1.25 घंटा का टाइमिंग दिया गया है, 2 बजे से लेकर 3:15 बजे तक जो है आपका एग्जाम चलेगा। इसमें देखिए, फर्स्ट सिटिंग में साइंस और कॉमर्स विद्यार्थियों का, सेकंड सिटिंग में आर्ट्स विद्यार्थियों, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों, जरा गौर फरमाएंगे, यहां पे आप ध्यान दीजिए कि आपका जो टाइमिंग है वो 1.25 घंटा का ही दिया गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 8वीं का और 9वीं का आप देखें तो इसमें आपका जो है एग्जाम का 1.5 घंटा का जो है समय दिया है। ठीक है, और 11वीं का जो मॉडल पेपर भी जारी हुआ है उसमें भी 1.5 घंटे का समय है। ठीक है, आपने देखा होगा, उसका पैटर्न को भी आप लोगों ने समझा होगा, उसमें टाइमिंग भी दिया है कि 1.5 घंटे का। लेकिन जैक ने सबसे बड़ी धोखा ये की है कि फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग का जो टाइमिंग दिया है वो 1.25 घंटा के ही दिया है, यानी कि आपको इसमें जो है 15 मिनट का अतिरिक्त समय है। ठीक है, तो अतिरिक्त आपको जो है यहाँ पे समय दिया गया है, लेकिन अगर अतिरिक्त 15 मिनट घटा दिया जाए तो आपके पास कितना घंटा समय बचता है? मात्र 1 घंटा। तो क्या 1 घंटा में आप लोगों का हो जाएगा? ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है जैक की ओर से। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि फर्स्ट टर्म एग्जाम्स जो आप लोगों का हुआ था, जिसमें कि मैथ और बायो का जो क्वेश्चन पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दिए गए थे, कैंसिल कर दिए गए थे, उनका भी कोई मेंशन नहीं किया गया है। देखिए, बायो का जो एग्जाम्स इस बार टर्म 2 में होने वाला है वो 2022 होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो 27 जून को बायो का एग्जाम्स होगा और 29 जून को जो है मैथ का एग्जाम्स होगा, इसमें सिर्फ आपका मेंशन किया गया है कि टर्म 2 का दिया होगा। देखिए, टर्म 2 का एग्जाम्स होगा तो इसमें फर्स्ट टर्म कहां गया? जो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, जो पेपर लीक होने की वजह से उसको रद्द कर दिया गया, तो अब उसका एग्जाम्स कब होगा? क्या ये रिजल्ट के बाद होगा? तो ऐसी गड़बड़ी जो है जैक की तरफ से की गई है और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताना चाह रहा था कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और हम लोग जितने भी झारखंड के टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हैं, सभी मिलकर जो है 12 बजे जो है ट्विटर पर कैंपेन कर रहे हैं। आप लोग भी जुड़ें और आप लोगों के हित में जो है हम लोगों को जो है ये लड़ाई लड़नी है। और साथ ही दोस्तों, 12 बजे और 4 बजे, ठीक है, 4 बजे शाम में जो है हम लोग ट्विटर पर जो है ट्वीट करेंगे और आपके हित पर जो हम लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं, हमारा जो टाइमिंग टेबल है, ठीक है, उसमें सुधार आ जाए। देखिए, डेट में कोई चेंज नहीं करने की हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन आपका जो टाइमिंग टेबल है ना, जो टाइमिंग टेबल दिया गया है, जो 1.5 घंटे का समय मॉडल पेपर में दिया है और यहां पे रूटीन में मात्र 1.25 घंटा का दिया है, जिसमें कि 15 मिनट आप हटा दीजिए, मात्र 1 घंटा का एग्जाम्स होगा। तो ऐसे में क्या है कि बच्चों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, इसी के सुधार को लेकर हम लोग जो है कैंपेन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ, जितना भी कॉन्टेक्ट में है आप लोगों का, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, सभी में शेयर करेंगे और सभी को कहेंगे कि 12 बजे से आप लोग तैयार रहेंगे और 12 बजे हम लोग ट्विटर पर जो है कैंपेन करेंगे, ट्वीट करेंगे लगातार। उसको जैक को ट्वीट करना है, जैक के चेयरमैन को ट्वीट करना है, हेमंत सोरेन को, यानी कि जो हमारे झारखंड सरकार को जो है ट्वीट करना है, शिक्षा मंत्री को, जगन्नाथ महतो को जो है ट्वीट करना है। 12 बजे और 4 बजे हम लोग जो है कैंपेन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस पर जो है भागीदारी करेंगे, आप लोग भाग लें ताकि आपके भविष्य पर जो है ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों, जैक ने सबसे पहले तो रूटीन में गड़बड़ी की और उसके साथ जो है धोखा किया जा रहा है। ऐसी धोखाधड़ी ना हो और आपका जो 8वीं 9वीं का रूटीन जो जारी हुआ है उसमें आप देखें तो आपका 1.5 घंटा वो सीमित दिया है।
ठीक है, जो मॉडल पेपर में था उसी आधार पर दिया है, लेकिन 11वीं का जो है ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है टाइमिंग टेबल के लिए जो है आप लोगों को लड़ना होगा, और फर्स्ट टर्म एग्जाम जो कि बायो और मैथ का जो रिजेक्ट किया था या कैंसिल किया था उसको लेकर भी आप लोगों को लड़ना है। अगर दोस्तों मान के चलिए फर्स्ट टर्म एग्जाम्स आप लोगों का नहीं लेता है, ये वाला एग्जाम अगर जो है ये जो कैंसिल जो हुआ था बायो और मैथ का पेपर, अगर ये नहीं होता है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाएगा, क्योंकि जैक के चेयरमैन ने खुद कहा, ये बयान दिया था, और जैक के सचिव ने ये भी कहा था कि हम टर्म वन और टर्म टू दोनों को मिलाकर हम रिजल्ट जो है बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग हो जाएगा। इंटर साइंस के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, मैथ और बायो के लिए आप लोगों को लड़ना है, इसलिए दोस्तों आप लोग 12 बजे और 4 बजे कैंपेन करेंगे। 12 बजे आज जो है दोपहर में जो हम लोग ट्विटर पर ट्वीट करेंगे और 4 बजे शाम में भी ट्वीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो इस पर जुड़े और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको जो है शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, वंदे मातरम।